नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूँ अर्जिता। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के खाग इलाके से एक प्राचीन मूर्ति बरामद की है। अधिकारियों ने बताया कि 1300 साल पुरानी मूर्ति खाग इलाके से मिली थी। जम्मू कश्मीर के अभिलेखागार, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने सिंहासन पर विराजमान माँ दुर्गा की मूर्ति की जाँच की। इस मूर्ति के कंधे से बाईं भुजा गायब है और दाहिने हाथ में कमल है। मूर्ति पर गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का प्रभाव है। जांच के दौरान ये पता चला कि बरामद मूर्ति लगभग 7वीं से 8वीं ईस्वी यानी लगभग 1300 वर्ष पुरानी है। हमें 30 तारीख को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी एसएसपी बड़गाम साहब जो है वहाँ से कि एक जो मिनिएचर स्कल्पचर है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंड के दौरान जो वहाँ पे खाग बड़गाम में हुई थी, तो वहाँ पे कुछ लेबर जो काम कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ से वो निकाली थी, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से रिकवरी की थी एसएसपी बड़गाम से। हमने पूरा एग्जामिन किया वहाँ पे, तो हमने यही पाया कि ये जो है ब्लैक स्टोन में है गॉडेस दुर्गा, और ये जो है उसका थ्रोन लाइन थ्रोन है। तो बाकी जो उसका पूरा हमने एग्जामिन किया तो इससे यही पता चलता है कि ये गॉडेस दुर्गा ही है। रफली जो डेट है इसका 8th सेंचुरी माना जाता है। ये जो इसका जो ये है मिनिएचर है ये स्कल्पचर, इसका ज़्यादा जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है उसकी 7 सेंटीमीटर है। ब्लैक से इसमें है, स्टोन में है ये। बता दें कि पिछले एक साल में कश्मीर में बरामद देवी दुर्गा की ये दूसरी प्रतिमा है। अगस्त में जम्मू और कश्मीर पुलिस ने देवी दुर्गा की 1200 साल पुरानी मूर्ति बरामद की थी। श्रीनगर के पांड थ्रेथन इलाके में झेलम नदी से ये मूर्ति मजदूरों द्वारा बालू निकालते समय बरामद की गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।